फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक पेयर ऑफ ओवरिज से, एक पेयर ऑफ ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये अलग अलग पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जो कि करके हम पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये, लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ये पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, आउटसाइड नहीं प्रेजेंट होता। और साथ में एक पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ही अटैच होती हैं, इंटीग्रेट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। उनका काम भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही कंट्रोल करता है। और इनका जो काम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या रहेगा, ओवम की फॉर्मेशन, ओवम जब बनेगा उसको जो ओवरी से रिलीज किया जाएगा, ओविलेशन, फर्टिलाइजेशन जो कि ओविडक्ट के अंदर करवाई जाती है, एम्पुलरी रीजन में हम पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी जो कि यूट्रस के अंदर होती है, जो कंप्लीट डेवलपमेंट, गेस्टेशन जो पीरियड रहेगा, बर्थ जो कि बर्थ कैनाल के जरिए सर्विक्स और सर्विक्स और जो वजाइना है, सर्विकल कैनाल और वजाइना है, उनको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, उनके जरिए होता है। और जो चाइल्ड केयर है, जिसके अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, जो चाइल्ड केयरिंग में मदद होती करती हैं। उसके बाद ओवरी है, ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो जो कि मेन जो काम है वो इसका गैमेट प्रोडक्शन का होता है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो गैमेट प्रोड्यूस ही करते हैं, जैसे मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरीज होती हैं। और कुछ स्टीरोइड हार्मोन है, ओवरियन हार्मोन, उनको भी सिक्रीट करने का काम इसका होता है। लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिन, ये एब्डोमिन कैविटी के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं, और इनकी जो डायमेंशन है वो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती हैं। टेस्टिस से थोड़ा साइज इनका छोटा मिलेगा, और कनेक्टेड टू द पेल्विक वाल, और पेल्विक वाल के साथ जुड़ी होती हैं, किनके द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा, और साथ में यूटरस के साथ भी जुड़ी होती हैं, जो कि इनकी पोजिशन के ऊपर इनको मेंटेन रखता है। प्रत्येक जो ओवरी है वो थिन एपिथिलियम जो टिश्यू है उसके द्वारा कवर की होती है, और इसके अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको ओवरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। और ओवरियन स्ट्रोमा जो मैटर प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, उसकी दो जोन होती हैं, एक बाहरी जोन जिसको पेरिफेरल कोर्टेक्स बोलते हैं, और एक इनर जोन जिसको मेडुला बोला जाता है। ये कोर्टेक्स और मेडुला बहुत जगह पढ़ने को मिलते हैं, और ये पेरिफेरल रीजन के लिए हम कोर्टेक्स वर्ड यूज करते हैं बायोलॉजी में, और जो इनर रीजन होता है उसके लिए मेडुला वर्ड यूज किया जाता है। जो फीमेल एसेसरी डक्ट है उनके अंदर ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना ये आ जाते हैं, और इन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। फेलोपियन ट्यूब, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, और जो ओवरी है उसकी बारीक क्षेत्र से, पेरिफ्री से यूट्रस को कनेक्ट करने वाला जो काम है वो फेलोपियन ट्यूब का रहता है। 4 पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहला पार्ट है इन्फेंडिबलम, जो कि ओवरी के साथ बिल्कुल क्लोज में होता है, और फनल शेप्ड होता है, कीप जैसे आकार का होता है, और इसके आगे कुछ फिम्ब्रिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और इनका जो मेन काम है वो ओवम को, जैसे ही ओवरी से रिलीज होएगा ओवम ओविलेशन के बाद, तो उसको रिसीव करती हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट एम्पुला है, जो कि थोड़ा वाइडर पार्ट होता है, और यहीं पे जो फर्टिलाइजेशन है वो होती है। इस्थमस है जो लास्ट पार्ट रहेगा, जो कि यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है फेलोपियन ट्यूब को, और ये नैरो रीजन होता है थोड़ा। उसके बाद यूट्रस, यूट्रस सिंगल पाया जाता है, और इसको इंग्लिश में वोम बोलते हैं, हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। जो शेप है यूटर्स का वो इन्वर्टेड पियर, उल्टे नाशपाती जैसे आकार का होता है, और जो कि लिगामेंट के द्वारा पेल्विक वाल के साथ जुड़ा होता है। वजाइना के अंदर ओपन होता है, ये एक नैरो पोर्शन के द्वारा जिसको सर्विक्स बोला जाता है, और जिसकी कैविटी को सर्विकल कैनाल बोला जाता है। बर्थ कैनाल जो कि सर्विकल कैनाल और वेजाइना दोनों को मिला के बनती है, जो कि ड्यूरिंग द डिलीवरी जो पार्टुरेशन होता है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो वाल ऑफ द यूट्रस है वो 3 लेयर का बना होता है, पेरीमेट्रियम जो कि एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एक लेयर होती है, पतली मेम्ब्रेन से बना होता है, ये बारीक परत होती है। उसके बाद मायोमेट्रियम जो कि मिडल लेयर होती है, थिक मोटी लेयर होती है, और इसमें स्मूथ मसल्स, और मसल्स का काम रहता है कॉन्ट्रैक्शन का, जब डिलीवरी होती है बेबी की उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे शो की जाती है मायोमेट्रियम में। उसके बाद है इनर मोस्ट लेयर है, जो ग्लैंडुलर लेयर होती है, सिक्रीशन का काम भी रहता है इसका, और यही जो लेयर है वो साइक्लिकल चेंजेस में जाती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब। तो पूछ लेते हैं कई बार कौन सी जो लेयर है वो यूट्रस की साइक्लिकल चेंजेस में जाएगी, वो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, यही बार बार फॉर्म होगी, ब्रेक होगी, फॉर्म होगी, ब्रेक होगी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके टाइम पे। उसके बाद फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है,
जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर है मोनस प्यूबिस आ जाती है, जो कि कसन स्पंजी टाइप टिश्यू होता है, जो फैटी टिश्यू और जो स्किन के द्वारा कवर होता है, और साथ में इसके पास प्यूबिक हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, और लेबिया माइजोरा ये भी फ्लैसी फोल्ड होते हैं, स्किन के होल्डिंग होती है स्किन की, एक्सटेंडेड डाउन फ्रॉम द मोनस प्यूबिस, और मोनस प्यूबिस से ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं और वेजाइनल ओपनिंग को कवर करते हैं। लेबिया जो माइनोरा है वो भी पेयरिंग में पाए जाते हैं, और ये लेबिया मेजोरा के नीचे प्रेजेंट होते हैं। हाइमिन जो लेयर है ये मेम्ब्रेन होती है एक, जो कि वेजाइना की ओपनिंग को कवर करती है, पार्सली कवर करती है, और कई बार ये टोर्न हो जाती है फर्स्ट कोइटस के टाइम पे। और भी कोई रीजन होते हैं इसके, ब्रोकन हो जाती है कब, सडन फॉल एकदम से यदि गिरते हैं, या फिर जोल्ट झटके वगैरह से भी ये ब्रेक हो जाती है। और जो वेजाइनल टैम्पम टैम्पम है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे यूज किए जाते हैं, उनके इंसर्शन में भी, उनको यूज करते टाइम भी ये टोर्न हो जाती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, कुछ जो गर्ल्स हैं फीमेल्स हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करती हैं हॉर्स बैक राइडिंग में, घुड़सवारी में या साइकिलिंग में, तो उनमें भी ये टोर्न हो जाती है। और इन सम वुमेन्स हाई मेन परसिस्ट, और कई वुमेन्स में जो हाई मेन है वो फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी परसिस्ट रहती हैं, तो इसलिए हाई मेन का रहना या फिर ना रहना, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमिन, ये वर्जिनिटी को नहीं शो करता है, जो कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन माना जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। क्लिटोरिस, क्लिटोरिस एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, विच लाइज एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले जंक्शन पे प्रेजेंट होती है, यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होती है क्लिटोरिस। उसके बाद हम डायग्राम देख सकते हैं, फेलोपियन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका, तो ये ओवरीज है, ओवरीज फिम्बरिया के साथ कनेक्ट होती है, फिम्बरिया वही है जो ओविलेशन में ओवम को रिसीव करते हैं। उसके बाद जो वाइडर पार्ट आ जाता है वो एम्पुलरी रीजन है, उसके बाद जो नैरोअर पार्ट आ जाता है वो इस्थमस है, और जो यही भाग है वो यूटरस के साथ कनेक्ट करता है। ये लिगामेंट होते हैं जो कि ओवरी को अपनी जगह में मेंटेन रखते हैं, और जो यूटरस है इसको वोम बोला जाता है, और फंडस भाग होता है इसका, ऊपर वाले भाग को फंडस बोलते हैं। थ्री लेयर होती है इसकी, जो बाहर वाली लेयर होती है वो थिन मेम्ब्रेन की बनी होती है, पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम मोटी लेयर होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको सर्विक्स बोला जाता है। और जो वेजाइना है जो कि पेनिस को रिसीव करती है कोपुलेशन के टाइम पे, तो ये एक्सटर्नल ओपनिंग है जो जिसकी जो हाइमन के द्वारा कवर होती है, जो हमने अभी पढ़े हैं। उसके बाद मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स ये फीमेल मैमल्स का बड़ा करेक्टरिस्टिक्स होता है, और पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड में पाए जाते हैं, जो ब्रेस्ट कहलाती हैं और ग्लैंडुलर टिश्यू इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर जो फैट की अमाउंट है वो अलग अलग देखने को मिलती हैं। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है प्रत्येक ब्रेस्ट के अंदर वो 15 से 20 मेमरी लोब के अंदर डिवाइड होते हैं, और इन लोब्स के अंदर जो सेल्स हैं वो क्लस्टर में पाई जाती हैं, एलुलाई नाम की सेल, जो कि लंग्स में भी देखने को मिलती हैं। जो सेल हैं एलुलाई की वो सीक्रेट करती हैं मिल्क, मिल्क प्रोडक्शन का जो काम है वो एलुलाई का रहता है, और जो मिल्क प्रोडक्शन के बाद उसको स्टोर किया जाता है ल्यूमेंस के अंदर। एलुलाई की जो नाड़ियाँ होती हैं, डक्ट होती हैं, पतली नाड़ियों को ल्यूमेंस बोला जाता है, तो उनमें इसको स्टोर किया जाता है। जो एलुलाई हैं वो मेमरी ट्यूब्यूल्स के अंदर ओपन होती हैं, और जो ट्यूब्यूल्स हैं प्रत्येक लोब की सारी ट्यूब्यूल्स मिलके मेमोरी डक्ट बनाती हैं, और काफी सारे जो मेमोरी डक्ट मिलके हैं जो एक वाइडर पोर्शन बनाएंगे, जो एम्पुला, मेमोरी एम्पुला कहलाता है, और मेमोरी एम्पुला रीजन है यही, आगे जाके कनेक्ट होके लैक्टिफेरस डक्ट के जरिए आउटसाइड द बॉडी वो ओपन होता है। उसके बाद हम डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम में सबसे पहले जो मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं इनके अंदर एल्वोलाई सेल्स क्लस्टर में पाई जाती हैं, और उसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं ये ट्यूब्यूल्स मिलके मेमोरी डक्ट बनाती हैं, और मेमोरी डक्ट आगे जाके जो वाइडर पोर्शन है उसको मेमोरी एम्पुला बोलते हैं, और मेमोरी एम्पुला जब इकट्ठे मिलके एक जो लैक्टिफेरस डक्ट है वही बनाएंगे, और ये जो एक्सटर्नल जो ओपनिंग है वो निपल के जरिए बाहर ओपन होती हैं, और कुछ एक डार्क स्किन पोर्शन प्रेजेंट होती है निपल के आसपास, तो उसको एरियोला बोलते हैं, और फैट की मात्रा जो अलग अलग प्रेजेंट होती हैं, और ये जो इंटरनल पोर्शन होता है जिसमें रिब्स मसल्स, तो ये जो चेस्ट जो ब्रेस्ट रीजन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं।